होनी चाहिए ना, जो जो अपने के लिए करते हैं, जो पब्लिक को दिखाने के लिए वो ऐसा होता है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। वो खेल रहता है ना, तो वो तो अपने बॉडी पर रहता है ना जो भी, तो उस पर रहता है, ऐसा दिखाने के लिए नहीं रहता कोई भी, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो अभी जो कुछ इशू चल रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जब खिलाड़ी कोई भी खेलने जाता है तो उसको अपने लेवल से ये कोशिश करनी चाहिए कि वो डोप टेस्ट में फेल ना हो, ठीक है। और अगर वो डोप टेस्ट में फेल होता है तो उसके पीछे के जो रीजंस है, वो जो सही कारण हैं, वो सामने आने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का भी कुछ स्टैंड होना चाहिए इसके खिलाफ, ठीक है। अगर वो खिलाड़ी वहाँ तक पहुँचा है तो उसमें वो काबिलियत है, इसलिए वो पहुँचा है। तो सरकार को यही रहेगा कि पहले वो जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ियों का टेस्ट कराए सबसे पहले, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट सबमिट करे और वो पब्लिश करे, ठीक है, और उसके बाद उनको खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। मेरे थिंकिंग सबसे एक्चुअली जिसे पॉजिटिवली आई एम टेलिंग अबाउट, इसे पॉजिटिवली होना चाहिए। देखिए, खेलों में तो पॉलिटिक्स होता है, आई थिंक 60% पॉलिटिक्स होता है, 40% पॉलिटिक्स नहीं होता है, बट मे बी आई थिंक इन एथलेटिक्स और कोई भी उधर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए मे बी। देखिए, गवर्नमेंट के हिसाब से जब पॉलिटिक्स हो जाएगा कोई प्लेयर नहीं आएंगे, हमको अच्छा प्लेयर सिलेक्टेड में नहीं मिल सकता है। सो मे बी आई थिंक फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू इन दिस सिचुएशन नो पॉलिटिक्स विल बी कम, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, कभी भी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं और पॉलिटिक्स के हिसाब से वो लोग आ नहीं सकते हैं, डोमिनेट होकर रहते हैं। जो अच्छा कर रहे हैं वो नहीं आ सकता है, जो थोड़ा लिटिल बिट आ रहे वो पॉलिटिक्स के हिसाब से आ रहे, बट वही ना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू जो पॉलिटिक्स नहीं होएगा तो अच्छा प्लेयर हमको सिलेक्ट में मिल सकता है इंडिया में, और इंडिया विल बी इन द वर्ल्ड इन द गुड प्रोसेस फॉर माई पॉइंट। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो साजिश वगैरह होगी, बिकॉज वो कोई छोटे पर्सन भी नहीं है ना कि जिसको खिलाया गया ये क्या। अभी वो इंटरनेट ओलंपिक के लिए अगर सेलेक्ट हो रहा है बंदा हो, ओके, तो उसमें कुछ तो दम होगा, वो तो ऐसा लल्लू पल्लू भी नहीं है, तो यही है और कुछ नहीं है। तो थिंग इज दैट कि कहीं ना कहीं तो मुझे उसके कैरेक्टर के ऊपर भी डाउट आ रहा है, पॉइंट समझ पा रहे हो ना। वो इतना बढ़िया जबरदस्त बंदा है, ओलंपिक तक जा सकता है, और वो छोटी मोटी चीजों में फंस रहा है, मतलब ताली तो कभी एक हाथ से नहीं बजेगी, दूसरे बंदों को भी तो नहीं बुलाया ना कि एक कर, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी हो सकता है। स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए उसको, पहले तो चेक करना चाहिए क्या सच है क्या झूठ है। अगर उसमें वो फाइन दिखता है तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो संदेश जाना चाहिए कि वो ऐसा कोई करेगा तो उसको स्ट्रिक्टली हम अवॉइड करेंगे, निकाल देंगे, उसको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब बिल्कुल गलत है, वो ऐसा है ही नहीं, वो रेसलर है तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। प्रशासन से यही निवेदन है कि जो भी उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाए, ये सब गलत है, ये सब वो नहीं कर सकते हैं।